भैया की हालचाल, सब बढ़िया। कौन? अरे मैं ही तो दिलाऊंगा तुम लोगों को फ्री में डायमंड रॉयल वाउचर्स, और वो भी एक नहीं दो नहीं 8 डायमंड रॉयल वाउचर्स, और एक फ्री का लूट बॉक्स भी। एंड साथ ही हमारे गेम के अंदर ना नया फेटेड व्हील आने वाला है, और ये वाला शिनोबी वाला जो बंडल था ना, ये भी आप लोगों को मिलने वाला है। कौन से इवेंट में आएगा, नया ग्लूअल की स्किन भी देखने को मिलेगी, एंड कितने डायमंड में और कब मिलेगा सब कुछ बताऊंगा। एंड साथ ही गाइस, यार वीडियो का लाइक 5000 लाइक का तो कंप्लीट करा देना। अच्छा। एंड यार ये टोकन टावर तो तुम लोगों ने देख ही लिया होगा, और अंदर से बहुत इच्छा कर रहा होगा कि भाई कैसे निकालू कैसे निकालू। और अगर तुम्हारे पास डायमंड है ना, और सोच रहे हो कि मेरा लक काम करेगा या नहीं, तो टेंशन ना लो यार, मैं ट्रिक बताऊंगा ना, सब कुछ काम करेगा। सो गाइस, जो सबसे पहली अपडेट निकल के आ रही है ना, वो आज रात 12 बजे की आ रही है, कि आज रात 12 बजे ना आप लोगों को गेम के अंदर नया डायमंड रॉयल आने वाला है, और वो भी लड़के का डायमंड रॉयल। तो यार टेंशन ना लो लॉन्डो, तुम्हारे सब्र का फल पूरा हो गया, एंड तुम लोगों को ना फाइनली यहाँ पर लड़के का बंडल आने वाला है। बंडल दिख ही सकते हो यार, काफी ज्यादा छमिया और टिकटॉकर जैसा दिख रहा है, बट कोई बात नहीं यार, निकालना है तो निकालना है। अब वो चाहे टिकटॉकर जैसा हो या फिर रीलर जैसा, वैसे यार रीलर तो मैं भी हूँ। क्या मतलब तुमने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया? अरे यार फॉलो कर लो भाई, क्योंकि उधर जो मजा है ना, वो मैं हिंदुस्तान के हर एक व्यक्ति को देना चाहता हूँ। जाओ और बबी के अभी फॉलो कर लो, पक्का कर लेना। इतना गंदा आदमी हूँ मैं। वैसे गाइस यार आप लोगों को पता है, हमारे गेम के अंदर ना एक नया कोलैबोरेशन आने वाला है, यानी कि फ्री फायर का ना फुटबॉल टीम के साथ कोलैबोरेशन होने वाला है। फ्री प्रो XMIA, पता नहीं क्या लिखा हुआ है यार। छोड़ो वो सारी चीजें, तुम लोगों को ना ये इवेंट के अंदर ना जल्दी टी शर्ट देखने को मिल सकता है, यानी कि गेम के अंदर जो सोकर रॉयल टी शर्ट आने वाला है ना, वो आने वाला है, एंड इसके बारे में ज्यादा जानकारी कल दूंगा। ये कोलैबोरेशन ना इंडियन सर्वर में भी आएगा, बट अभी नहीं, बहुत लेट से आएगा, और शायद से ना ही आए, समझो कि ना ही आए, बट इसके इवेंट जो है ना, उनके कुछ कुछ आइटम्स इंडियन सर्वर में जरूर से आएंगे। लेकिन एक चीज जो डेली आएगा ना, वो है थारा भाई का वीडियो, और वो भी एकदम तगड़ा तगड़ा, क्योंकि यार थारा भाई का एग्जाम खत्म हो गया, और आज मेरा लास्ट एग्जाम था, और वो भी मैथ्स का। और तुम लोगों को पता है ना, मैथ्स में मैं कितना ज्यादा प्रो हूं, हर एक क्वेश्चन में ना एक ही चीज लिख करके आया हूं। मेरे बाप से ही नहीं हुआ तो मेरे बाप की कसम किसी से भी नहीं होगा। अरे अरे रुको जरा, सबर करो, तुम लोगों को मैं बताने वाला हूँ कि तुम लोग ना फ्री में डायमंड रॉयल कैसे ले सकते हो, साथ ही ये वाले लूट बॉक्स कैसे ले सकते हो। तो इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, गेम के अंदर कॉल बैक इवेंट आए हुए, जिसके अंदर आप लोगों को ना कुछ आईडीज जो है ना वो रिटर्न लानी है, मतलब पुरानी आईडीज हो गई ना, जो बहुत दिन से नहीं खुली हुई है, उसको वापस लानी है आप लोगों को गेम के अंदर, और देन आप लोगों को कॉल बैक हो जाएगा। लेकिन यार इतना कौन करेगा भाई, पुरानी आईडीज कहां से लाओगे? टेंशन ना लो यार, मेरे पास ना आप लोगों के लिए एक ट्रिक है, एकदम नॉर्मल ट्रिक है, सिंपल सा ट्रिक है। आप लोगों को कॉल बैक करने के लिए जस्ट 1 मिनट लगेगा, एंड आप लोगों को 8 डायमंड रॉयल वाउचर्स एंड लूट बॉक्स मिल जाएगा। तो कॉल बैक इवेंट कंप्लीट करने के लिए आपको अपने गूगल के स्क्रीन पर जाना है, क्रोम खोल लेना है, एंड bancodesports.com सर्च करके सबसे पहला लिंक ओपन करना है। जैसे ही ओपन करोगे तो आप लोगों को सामने में कॉल बैक कंप्लीट इवेंट लिख करके आ जाएगा। यहां पर आप लोगों को ना जैसे ही नीचे जाओगे तो कुछ एड्स होंगे, तो ये एड्स पे आपको क्लिक कर लेना है, एंड इसके बाद आप लोगों को 5 से 10 सेकंड इस एड्स पे वेट करने हैं। ध्यान रहे कि एड्स पे क्लिक करोगे तभी आप लोगों को कॉल बैक इवेंट कंप्लीट हो जाएंगे, और वो भी 24 आवर्स के अंदर। जैसे ही आप लोग वेट करोगे बैक आ जाना है यहाँ पर, एंड बैक आने के बाद दोनों एड्स पे क्लिक कर देने। एड्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर टाइमर चालू हो जाएगा, एंड ये टाइमर 10 सेकंड का लगा हुआ होगा, एंड इसके बाद आप लोग को वेट करना है ताकि ये टाइमर कंप्लीट हो जाए। एंड गाइस जैसे ही ये टाइमर कंप्लीट होता है ना, तो डायरेक्ट आप लोग फॉर्म को फिल कर सकते हो, यानी कि यहाँ पर आप लोग को कॉल बैक इवेंट का एक लिंक मिलेगा, इसको ओपन कर लेना, एंड इसके बाद जैसे ही नीचे जाओगे तो यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेना, यानी कि ग्रीन कलर पे क्लिक कर देना। इसके बाद आप लोग को यहाँ पर जस्ट अपनी UID डाल देनी है, एंड रीजन सिलेक्ट कर लेना है, मतलब कौन से रीजन से हो वो सिलेक्ट कर लेना है। ध्यान रहे गाइस यार इंडिया कर देना है, एंड इसके बाद कंप्लीट सेटअप कंप्लीट हो जाएगा आपका, एंड आपको मिल जाए। इतना ही करना है यार, 2 मिनट का काम है, जरूर से कंप्लीट कर लेना, और कॉल बैक इवेंट ले लेना bancodesports.com सर्च करके। बहुत सिंपल स्टेप है, सर्च करके जाओ एंड ले लो, लूट लो यार। और मैंने तो सुना है ना कि एड्स पे क्लिक करने वालों को तो डायमंड भी फ्री मिलते हैं। तो गाइस अब बात कर लेते हैं अपने शिनोबी स्पिन के बारे में। तो आप लोगों को ना इस स्पिन के अंदर आप लोग देख सकते हो ये वाली ग्लूअल की स्किन, एंड साथ ही साथ ये शिनोबी बंडल आने वाला है। अब ये स्पिन इवेंट के अंदर ना आप लोगों को बहुत सारे आइटम देखने को मिलेंगे। अगर डेट की बात कर लेना तो ये 30 जून को आप लोगों को, यानी कि आज से ठीक 4 दिन के बाद रात के 12 बजे देखने को मिलेगा। देखो यार ये इवेंट आएगा ना, तो आपको इसके साथ साथ कुछ फ्री के थीम आइटम भी देखने को मिलेंगे, जैसे ये स्केटबोर्ड की स्किन, पैराशूट की स्किन, साथ ही ये M4A1 लिली वाला तो पहले आ चुका है शायद से, एंड साथ ही आप लोगों को
यस पेस 12 की स्किन। एंड गाइस यार आप लोगों को और भी ढेर सारी चीजें, वैसे यार ये ग्लोय की स्किन ना मेरे को लगता है 400 से 500 डायमंड खर्च होंगे एंड निकल जाएंगे। लेकिन यार अगर आप लोग बात कर लो यहाँ पर बंडल की, तो यार बंडल में बहुत ज्यादा वेस्ट होने वाले डायमंड, क्योंकि यार बंडल फुल एनिमेशन वाला है, तो मेरे को लगता है लगभग 1500 से तो 2000 डायमंड जाने ही जाने, एंड वो आंख बंद करके जाने, टेंशन ना लो। तो यार तुम लोग बताना तुम लोग को ये बंडल आखिर लगा कैसा। सो गाइस ये शिनोबी इवेंट के अंदर ना जो थीम आइटम्स है वो यही सारे होने वाले हैं, एंड ये लड़का का बंडल आने वाला है, साथ ही ये लड़की का बंडल जो है ना वो भी आने वाला है। हो सकता है आप लोग को ये लड़की का बंडल फ्री में मिले, जहां तक चांसेस है ना मेरे को नहीं लगता है कि इसमें से ना बस वो 3-4 आइटम जो है ना वही फ्री मिलेगा, ये सब कुछ भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि यार बंडल काफी ज्यादा बढ़िया लुक है यार। एंड जो भी चीजें जो कमाने वाली होती है ना गरीना वाले यार बस इंडियन सर्वर से ही लूटते, जानते यार पाकिस्तान वाले तो वैसे ही नल्ले हैं भाई, ना खाने को खाना है और ना पहनने को कपड़े, आधे लोग तो भाई नंगे घूमते हैं भाई, इसीलिए शायद उधर स्पिन बहुत कम कम डायमंड के होते हैं, मतलब यार 20-30 डायमंड के हो जाते हैं। एंड ये सारे इवेंट्स तुम लोग को पता है जो गेम के अंदर टोकन टावर है ना वो पाकिस्तान के सर्वर में 20-30 डायमंड के अंदर मतलब वो स्पिन मिल रहा है भाई, सोच रहे हो। तब तक के लिए राधे राधे।